एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम बात करते हैं द प्लू परफेक्ट टेंस की। प्लू परफेक्ट टेंस का जो आपका कॉम्प्लेक्स पोर्शन होता है उसकी बात करते हैं। वैसे तो हमने आपको परफेक्ट टेंस की सीरीज में परफेक्ट टेंस को पढ़ा दिया है, लेकिन वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स को डिस्कस नहीं किया, तो आज हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। द प्लू परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो प्लू परफेक्ट टेंस है, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसके रिकॉग्निशन क्या होती है? रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है? एक ऐसी सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज होती है और दूसरी आपकी सबऑर्डिनेट क्लाज होती है, जो कि एक प्रिंसिपल क्लाज तो होना कंपलसरी है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाज जो है एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है और प्लू परफेक्ट टेंस का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें होता क्या है, हम बात करते हैं। जैसे इसमें आपका बिफोर आता है, आफ्टर आता है और आपका व्हेन भी आता है। जबकि बिफोर और आफ्टर आपके सिंपल सेंटेंस में भी आ सकते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, तब आप जानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले या पूर्व, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पश्चात, व्हेन का मतलब होता है जब, और इसका आगे का सेंस चलता है तब से। ये तीन स्ट्रक्चर एक साथ में आते हैं, लेकिन इनके बाद में क्या होती है, क्लॉज होती है। और जो क्लॉज होती है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए, ये तो बात हो गई रिकॉग्निशन की। मींस ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लाजेज हैं और उसके क्लास में बिफोर आता है, आफ्टर आता है या व्हेन आता है, तो वो हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका जो बिफोर का होता है उसमें आपका आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें आपका जब आफ्टर का हम लगाते हैं तो पहले क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर और प्लस उसके बाद में आपका उल्टा हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का आता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है। जैसे पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका क्या आता है, हैड प्लस एमबी थर्ड का। और जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है उसके अफर्मेटिव में आपका क्या आता है, एमबी सेकेंड का। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था। मीन्स
एक तो सेंटेंस है तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने मतलब तुम्हारा जाना। दूसरा है आपका वह आ चुका था, और बीच में आपका क्या लगा है पहले। तो मतलब क्या है इसमें, एक्शन कौन सा पहले हुआ उसका आने का, क्योंकि तुम्हारे जाने का तो एक्शन तो बाद में हो रहा है। तो वह आ चुका था मतलब ही हैड कम बिफोर, अब तुम्हारे बिफोर यू जाने की वेंट। तो आपका क्या हो गया, ही हैड कम बिफोर यू वेंट, मतलब तुम्हारे जाने से पहले वो आ चुका था। मतलब जो एक्शन पहले हुआ था वही तो आपका परफेक्ट में आता है, और जो एक्शन बाद में होता है वो आपका इंडेफिनिट में आता है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, उसके आने के बाद मैं गया। तो मैं गया उसके आने के बाद, मतलब वो पहले आया होगा और उसके बाद में मैं गया। तो अब इसमें क्या आया है, बाद, और एक सेंटेंस मैं गया और उसके आने। तो हम क्या करते हैं कि उसके आने के बाद मैं गया, तो आई वेंट आफ्टर, और उसके मतलब ही हैड कम, उसके आ जाने के बाद मैं गया। आई वेंट आफ्टर ही हैड कम। एक सेंटेंस हम वेन का भी ले लेते हैं, जब तुम वहाँ गए तब वह आ चुका था, तब वह आ चुका था। इस सेंटेंस को अगर जो हम हिंदी वर्जन इसका चेंज करें तो हम ये भी कह सकते हैं, तुम्हारे जाने से पूर्व वह आ चुका था, तुम्हारे जाने से पूर्व वह आ चुका था। तो जब तुम गए तब वह आ चुका था, तो आपका हो जाएगा when you went there he had come, तो वह आ चुका था। अगर इसी को हम दोबारा और करके बनाएं तो आपका ये हो सकता है कि he had come when you went there, is when you went there, he had come when you went there। अगर हम ये when क्लास पहले लिखेंगे तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, और अगर हम प्रिंसिपल क्लास पहले लिखेंगे तो हमें सबऑर्डिनेट क्लास से पहले कॉमा लगाना नहीं होगा। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूजन है आफ्टर और बिफोर के सेंटेंसेस में वो ख़त्म हो गया होगा, और अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।